I'm sorry. क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है. बात बाद में, बाद में. कुछ नहीं बाद में. राज, ये कैसेट किसकी है? कैसेट? मौन तुरुक में आया. तारा, तारा. तुम यहाँ क्या करने आयो? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती. तो हट जाओ मेरे नजरों के सामने से. मैं भी कोई तुम्हारे सामने बुगी बुगी शो करने के लिए नहीं आया हूँ. मैं तो अपना कैसेट लेने के लिए आया. कैसेट? कौन सा कैसेट? मैं अरे वही कैसेट जो दिन मैंने तुमको गिफ्ट के अंदर दिया था. उसके अंदर आई थी. यही तो रहती थी उसे मैंने. चश्मी, निकलो मेरे घर से, निकलो. अच्छा, पहले तो हमेशा फोन करके पूछती थी कब आओगे कब आओगे. अब घर में आता तो बोलती कब जाओगे. तुम औरतों की अदा है ना, ऊपर वाला ही बचा है. देखो ये पूरा का पूरा कबाड़ मेरी ही गिफ्टों से भरा हुआ है. हाँ, इनमें से आधी चीजें भी मैंने अगर अपनी बीवी को दी होती ना तो जिंदगी भर मेरे गाल चूमती रहती. लेकिन नहीं, अरे सड़क के ऊपर से कभी गजरा भी नहीं लेकर दिया मैंने अपनी बीवी को. पता नहीं कहा ये क्या लव लेटर संभाल के रखे हुए. पेट भर भर के झूठ लिखा हुआ मैंने इसके अंदर. मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म आदमी नहीं देखा. अरे और देखोगे भी नहीं, मेरे लेवल का लोग बार बार पैदा होते हैं क्या? वैसे एक बात बताऊं, तुमसे प्यार तो बहुत हो गया था मुझे. शादी के चक्कर में भी मैं आ गया था. फिर बाद में मुझे हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ. मेरी बीवी बच्चा तुम्हारी सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. मेरा क्या, मैं तो साला बेशरम आदमी. सुनो, पीछे के रास्ते से जाओ. अरे ओ वकील साहब, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? कोर्ट? अरे वकील, लाइन बदली क्या? अबे तेरे को नुक्कड़ पे पकड़ूंगा. ए स्टार्ट कर गाड़ी. ए वकील की दुम में धागा, वो तुम दबा के भागा. वकील की दुम में धागा, वो तुम दबा के. अरे वकील, अरे भाई भागने का काम चोर लोग का है, वकील लोग का नहीं. यार ये क्या लगा ला, खड़े रहना, बात सुनना यार. एक बात बताऊं, जब 10 आदमी मिलकर एक आदमी का पीछा कर रहे होते ना तो 10 को इकट्ठा रहना बड़ा जरूरी होता है. वरना क्या होता है मालूम है? मैं अकेला है. अकेले को बहुत मारा रे. ये मैं दिमाग की जगह हाथों की लड़ा रहा हूं. निकाल मेरी साइकिल. ए साइकिल पे आ गया. बेशरम. थैंक यू. उफ, तुम लड़कियों की अदाएं, आखिर हम क्यों ना फंस जाएं? जल्दी चलो. योर ऑनर, ये अदालत है, कोई टीवी का गेम शो नहीं जहां हर वक्त ब्रेक लिया जाए. और कब तक आप राज मल्होत्रा को ब्रेक देते रहेंगे? मेरी अदालत से गुजारिश है, अब बिना इंतजार किए इस केस का फैसला सुनाया जाए. योर ऑनर. एडवोकेट राज मल्होत्रा का 1 घंटा इंतजार करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है
कब उनके पास अदालत के सामने पेश करने के लिए कोई भी दलील या सबूत बाकी नहीं बचे। लिहाजा अदालत यह फैसला सुनाती है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, इससे पहले कि अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे मैं अपने पास मौजूद इस सबूत को आपके सामने पेश करना चाहता हूं सर। ये क्या है भाई? इसको मार डाला। मैंने तो डरा धमका के मकान खाली करने के लिए कहा था, आपने मर्डर कर दिया इसका। जोर से मार दूंगा, इस तरह से मजलूमों को मारते हो तुम लोग? रोक! Well done. Thank you. Well done, Raj. पल तो पल का उजाला है झूठ का, पल तो पल का उजाला है झूठ का, अरे काला है जी काला मुंह काला है झूठ का, काला है जी काला मुंह काला है झूठ का। हाय मेरा बेटा। पापा कहाँ है? राज वाकई में क्या कर रहा है यार? यार पसीना पोंछ रहा था मैं। डिग्निटी नहीं है। डिग्निटी कैसे नहीं है, कमाल आदमी है यार। अरे भाभी भाभी देख रहा हूँ आपकी भाभी आई हुई है, तो क्या नाचू? नाचना आता है? तुम अपनी लाइफ सुधारो पहले। अब इस तरह से मुस्कुरा के देखती रहोगी कि गले भी लगोगी मेरे। ऐसे गले लग रही है जैसे एहसान कर रही है मुझ पर। अच्छा होश में रहो, होश में रहो, होश में रहो। कोर्ट कोर्ट और सुनो, खबरदार जो दोबारा घर छोड़ के जाने की कोशिश की, समझी तुम? अब एक बार शराफत हो गई होगी। होश करो, होश करो। कोर्ट है कोर्ट।